राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका निशा जी के किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज ऑमलेट। इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं एक बाउल में। एक कटोरी ले लेंगे मैदा, इसे भी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। ये एक बारीक प्याज काट लिया है मैंने और एक टमाटर, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ती, मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। मिर्ची हमने पहले भी डाली है इसलिए अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तवा रख दिया है हमने, अब डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब अपना बैटर डाल देंगे। अब एक ब्रेड स्लाइस रखेंगे। इसके ऊपर इसको फोल्ड करेंगे। अब इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। अब हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे वेज ऑमलेट बनके तैयार हैं। साथ में ब्रेड लगाई है हमने इसके साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाइए और खाइए। आप इसे टमाटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी है। आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।